हे गाइस वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और एक रामसन्स के परफ्यूम का। मैं बहुत टाइम बाद किसी रामसन के परफ्यूम का रिव्यू शेयर कर रही हूँ एंड ये आपका रामसन्स का अंडर रुपीज 100 वाली लाइन में से नहीं है। लाइक रामसन्स के मोस्टली परफ्यूम आपको सेल पे 80-90 रुपीज में मिल जाते हैं, बट ये जो है थोड़ा डिफरेंट है। आई मीन मुझे भी नहीं पता था कि रामसन्स में थोड़े से ये मिड रेंज टाइप परफ्यूम भी आते हैं। मिड रेंज मतलब ये बहुत कुछ एक्सपेंसिव नहीं है एंड मोस्टली लोगों को रामसन्स के परफ्यूम बहुत पसंद आते हैं। मैंने यू आर लवली, ला ओपेल, एक्जोटिका एंड सेक्सी बहुत सारे परफ्यूम का रिव्यू किया रामसन्स का पहले। वो मेरी सीरीज है अंडर रुपीज 100 की, उसमें तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। एंड ये काफी अफोर्डेबल भी रहते हैं एंड काफी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत प्रोजेक्टिव रहते हैं रामसन्स के परफ्यूम। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय रामसन्स। आज की वीडियो में मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ रामसन्स विंटर का। यस, विंटर चल रहा था, मुझे लगा ये परफ्यूम परफेक्ट होगा आपके साथ शेयर करने के लिए। पहले मैं आपको उसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। ऐसे है कार्डबोर्ड बॉक्स में, बस 10 ml है ये। ऐसे है इसकी बॉटल, पैकेजिंग काफी अच्छी है। ये ना अंदर में यहाँ पे पूरा सील है, अच्छे से ये सब कैप जो है फिट रहती है और ये लीक होने का कोई डर नहीं है। इसका नेम ही है विंटर, तो आप समझ गए होंगे कि ये विंटर परफ्यूम है एंड ये अभी दिसंबर चल रहा है जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ, हो सकता है आप कुछ टाइम बाद देख रहे हो, तो ये परफेक्ट है ये इस परफ्यूम का रिव्यू करने के लिए। एंड इसकी 100 ml आई डोंट रिमेम्बर कितने की आती है, बट उसकी पैकेजिंग बहुत सुंदर है। मैं उसकी इमेज डाल दूंगी, आप देख लेना। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल आइस ब्लू एंड स्काई ब्लू को ऑम्ब्रे पैकेजिंग है एंड इसके ऊपर यहाँ पे कुछ ये ब्लू ब्लू फ्लावर्स जैसा बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड मेरा टॉप से ये एग्जैक्टली मैच हो रहे थे जो फ्लावर है, इसलिए मैंने ये वाला टॉप पहन लिया, ये बिल्कुल मैच हो रहा था एंड आई एम ट्विनिंग विथ माई परफ्यूम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफ्यूम। एक चीज जो मुझे इस पर्टिकुलर परफ्यूम में सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये कि दिस इज नॉट योर रेगुलर टिपिकल विंटर परफ्यूम। एंड बाय टिपिकल परफ्यूम आई मीन मोस्टली आप कोई भी विंटर परफ्यूम अगर लोगे तो वो वनीला नोट्स वाले निकलते हैं। लाइक उसमें टिपिकल वॉर्म वनीला या वनीला के नोट्स होते हैं। आई मीन डोंट टेक मी रॉन्ग, आई लव वनीला परफ्यूम, आई लव गोमान परफ्यूम। आई मीन वनीला परफ्यूम से कोई कभी बोर नहीं हो सकता, बट स्टिल अब डेली 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 उसको अगर यूज करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है खास मैं वनीला छोड़ के आज कुछ और लगाऊं। तो विंटर के लिए आपके पास और एक ऑप्शन है, वो है ये। एंड एक चीज जो मुझे और बहुत पसंद आई इसमें, बिकॉज दिस इज नॉट योर टिपिकल वनीला और वॉर्म वनीला परफ्यूम, इसको ना आप 12 महीना यूज कर सकते हो, बट जब बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम रहता है लाइक एक्सट्रीम समर, अगर वीडियो कुछ मंथ्स बाद देख रहे हो एक्सट्रीम समर लाइक वो मई जून जुलाई का, जो स्पेशली मई जून वो बहुत गर्मी वाला टाइम होता है ना, तब आप इसको सिर्फ तभी लगाना अगर आप पूरे टाइम एसी के अंदर में हो, अदरवाइज आपको अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। लाइक स्वेटी स्वेटी तो मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज इसमें वॉर्म वनीला के नोट्स नहीं है, बिकॉज वॉर्म वनीला के जिसमें भी नोट्स होते हैं ना उसको अगर आप समर में लगा लो तो स्वेटी स्वेटी लगने लगता है, इससे वो स्वेटी स्वेटी नहीं लगेगा आपको, बट थोड़ा अनकंफर्टेबल जैसा लगने लगेगा। तो आप इसको समर में भी एंजॉय कर सकते हो, बट अगर आप एसी के अंदर हो तो आप इसको 12 महीना लगा सकते हो। एंड विंटर में तो बहुत ही मस्त परफ्यूम है बिकॉज ये दिस इज अ विंटर परफ्यूम एंड ऑल्सो दिस इज अ यूनिसेक्स परफ्यूम, सो बोथ गर्ल्स एंड गाइज कैन एंजॉय दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स। स्मेल सो गुड यू गाइज। ओके, ओपनिंग में ये थोड़ा सा सरप्राइजिंगली सिट्रसी फ्रेग्रेंस है इसकी। सिट्रसी नोट्स मोस्टली आपके समर परफ्यूम में होते हैं, विंटर में मैंने फर्स्ट टाइम कोई सिट्रसी नोट्स के ओपनिंग वाला परफ्यूम देखा है, बट बहुत कंफर्टिंग है ये, बिल्कुल भी वो शार्प सिट्रसी नहीं है। एंड ऑल्सो गाइस ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, बिल्कुल भी वो वैसा माइल्ड टाइप का परफ्यूम नहीं है। विंटर परफ्यूम में माइल्ड होगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा ये शार्प सिट्रसी एंड मिक्स विद थोड़ा सा ना कोई तो स्वीट वाले फ्रूट की नोट्स है जो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, मुझे मेरी नोज को पिक भी ढंग से नहीं हो रहा है। आई मीन प्रॉपरली वो समझ नहीं आ रहा है कौन सा फ्रूट यूज हुआ है, बट कोई तो स्वीट वाला फ्रूट इसमें यूज किया है, थोड़ा फ्रूट यूज हुआ है, वो फ्रूट थोड़ा सा स्वीट है, ओवरली स्वीट नहीं है बट बहुत ही अच्छा सा राइप स्वीट फ्रूट है जिसकी वजह से इसमें स्वीटनेस आ रही है एंड थोड़ा सा लेमन की वजह से इसमें वो सिट्रसनेस आ रही है। ये दोनों ओपनिंग में रहता है आपका जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड जो स्वीट वाला फ्रूट इसमें यूज हुआ है ना उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी थोड़ी बॉडी बटर जैसी है। काफी सारे जो लग्जूरियस बॉडी बटर में यूज होने वाले फ्रूट्स होते हैं ना, कोई तो वो वाला फ्रूट है जो मेरी नोज को एग्जैक्टली पिक नहीं हो रहा है। सो यस, ओपनिंग में सिट्रस एंड स्वीट बट स्ट्रांग एंड थोड़ा थोड़ा मिक्स होके ओवरऑल ये लग्जूरियस बॉडी बटर जैसा फील है इसका।
एंड जो ये टॉप नोट मैंने भी एक्सप्लेन किया, ये बहुत टाइम रहता है, फिर इसके बाद इसमें आपका हार्ट नोट आ जाता है, एंड हार्ट नोट में सरप्राइजिंगली इसमें थोड़ा सा मिंट आ जाता है, थोड़ा सा ये मिंटी हो जाता है, मिंट की वजह से थोड़ा सा जैसे वो कूलिंग इफेक्ट आता है, आई मीन ये परफ्यूम खुद में ही विंटर टाइप है, इसमें थोड़ी कूलिंगनेस भी है जो काफ़ी अच्छी लगती है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर विंटर परफ्यूम, जैसे मैंने पहले भी 3-4 बार आई थिंक बोल दिया है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। इसके अंदर में मिंट के नोट्स आपको रेयरली ही शायद किसी विंटर परफ्यूम में मिलेंगे, समर परफ्यूम में तो शायद मिल भी जाए, बट मेरे कलेक्शन में बहुत सारे परफ्यूम है ऑनेस्टली, बट मैंने आई थिंक ये मेरा फर्स्ट परफ्यूम है जिसमें मिंट के नोट्स है। मिंटी नोट्स के साथ साथ इसमें आपका थोड़ा सा फ्लोरल नोट्स ऐड हो जाते हैं, बिकॉज आपको इसकी पैकेजिंग के ऊपर ही फ्लावर्स दिख रहे होंगे, कुछ तो विंटर फ्लावर्स है, ये ब्लू वाले जो होते हैं ना आपको विंटर में दिखते हैं ये वाले फ्लावर्स, इसमें मिंटी नोट्स के साथ ये वाले फ्लावर के नोट्स आ जाते हैं, वो ब्लू वाले फ्लावर के, जैसे मेरे टॉप में बना है ना ये विंटर फ्लावर्स, ये जो ब्लू वाले विंटर में आते हैं इस फ्लावर की नोट्स आ जाती है, जिसकी वजह से ये और ब्यूटीफुल हो जाता है। एंड उसके साथ साथ इसमें वुडी नोट्स भी ऐड हो जाते हैं। यस, एंड बेस नोट बताने से पहले मैं एक बात बता दूं जो शायद मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं है, मुझे याद नहीं है, ये काफी फ्रेश परफ्यूम है। विंटर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शावर नहीं लेते हैं रेगुलर डेली बेसिस पे, तो अगर आप उनमें से हो तो अगर कभी शावर स्किप कर देते हो तो आप इसको अप्लाई कर लोगे ना तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि आपने शावर ले लिया है, वो फ्रेशनेस आते रहती है बिकॉज ऑफ लेमन एंड मिंट के नोट्स। यस यस, इसमें जो फ्रेशनेस है ना इस परफ्यूम में, ये फ्रेश टाइप का परफ्यूम, इट्स वेरी डिफरेंट, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला। एंड बेस नोट में आ जाता है इसमें मस्क। यस, बेस में आपका आता है एम्बर एंड मस्क, नॉट जस्ट मस्क, बेस में है इसमें एम्बर एंड मस्क। मस्क भी जो है बहुत स्मूथ मस्क यूज हुआ है, वो मेटालिक अजीब सा मस्क होता है ना, कुछ कुछ चुभता है, शार्प रहता है, वैसा नहीं है, बहुत ही स्मूथ ब्यूटिफुल सूदिंग मस्क है। मेरे कलेक्शन में बहुत सारे वनीला परफ्यूम है, मैं उनसे बहुत खुश थी, बट जब मैंने इसको ट्राई किया ना मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं डेली डेली वनीला परफ्यूम लगा रही हूँ, फॉर अ चेंज मैं इसको यूज कर सकती हूँ। एंड अब बात कर लेते हैं लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन की। गाइज, विंटर परफ्यूम है तो लॉन्ग लास्टिंग तो होगा ही, एंड ऑल्सो विंटर में परफ्यूम नॉर्मली भी ज्यादा लास्ट करते हैं। अब ये मेरे ऊपर इजिली 5-6 आवर लास्ट कर रहा था। यस, इसकी लॉन्जेविटी है 5-6 आवर्स, इतना लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। एंड बात करते हैं प्रोजेक्शन की, दिस इज वेरी प्रोजेक्टिव, आपने 4 स्प्रे लगाया है, आपके आजू बाजू सबको पता चलेगा आपने कौन सा अच्छा सा परफ्यूम लगाया है। एंड ऑल्सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट गेटर परफ्यूम, आप जब लगाओगे डेफिनेटली आपसे कुछ लोग पूछेंगे आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है, काफी अच्छा लग रहा है। या इफ यू आर समवन लाइक मी जिसको परफ्यूम में एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, इफ यू आर अ परफ्यूम लवर, आप नया नया परफ्यूम ट्राई करना पसंद करते हो, तो आप डेफिनेटली इस परफ्यूम को ट्राई कर सकते हो, ट्रस्ट में आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको ये बहुत पसंद आएगा। एंड यस, ये बिल्कुल भी माइल्ड नहीं है, तो इफ यू आर समवन जिसको माइग्रेन है या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से हेडेक होता है, थोड़ा इसे देख लो, आप कम स्प्रे करके लगा सकते हो तो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप ये वीडियो को पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।